हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? फाइन गाइस, फ्यूचर में आपने विल सीखा, फुर्सत से सीखा, लेकिन आज जो आप सीखने जा रहे हैं इसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन आप सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस ही नहीं सीखेंगे, नाम में क्या रखा है, काम में आते हैं आप। जब अंग्रेजी बोलोगे तो कभी ना कभी आपके मुंह से ऐसा जरूर निकला होगा विल बी, कभी तो निकला होगा। तो हमें नाम में नहीं देखना कुछ भी, ये बला क्या है, ये विल बी चीज क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। विल बी के वैसे ऑफिशियल देखें तो तीन इस्तेमाल है, फर्स्ट, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। तो मैं आपको लॉजिकली पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, कि आखिर जब विल बी आएगा तो किन हालातों में आएगा और हम क्या समझेंगे। तो शुरू करें, तो सबसे पहला इस्तेमाल हम विल बी का देखते हैं। और चूंकि आप विल बी सीख रहे हो तो आज तो भैया आप वुड बी भी सीख ही लोगे, ये सिखाना बहुत जरूरी है, वुड बी, नहीं तो कंफ्यूजिया जाओगे, तो ये बहुत जरूरी है। एनीवेज, सबसे पहले गाइस विल बी को देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए एवरीवन। मान लीजिए हेयर देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है। अब विल है तो समझ ही होंगे कि फ्यूचर की बात होगी। अब ये लड़की या कोई भी हो, आप होने चाहिए प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आप हैं, और आप कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जिसमें कोई एक्शन ना हो। इधर कर लेते हैं, कुछ ऐसा सोचो जिसमें कोई एक्शन ना हो, नो एक्शन, यानी कि कोई कोई खाना पीना उठना बैठना ना हो। ये अभी सोचिए कि अच्छा दो घंटे बाद ना मैं ऑफिस में होंगी, क्या करूंगी, ये नहीं है, ऑफिस में होंगी बस। अब हिंदी है तो भैया ऐसे आएगा कि मैं ऑफिस में होंगी। अंग्रेजों को ये नहीं पता, अंग्रेजों को बस इतना पता है, उनका लॉजिक ये है कि प्रेजेंट टाइम में ये लड़की कहीं भी है, मान लो ये लड़की अपने घर पर है, लेकिन जैसे 30 मिनट गुजरेगा, 30 मिनट्स लेटर, फिल्मों में आता है ना 6 years लेटर, 30 मिनट बाद इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी, जो पर्सनालिटी है, अब वो घर पर नहीं होगी, यहां से गायब, और सीधा कहां पर होगी जी, ऑफिस में होगी। इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इतना दिखाना है कि यार 10 मिनट में वो मेरी बाहों में होगी, ठीक है जी। अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ अभी हो सकता है वो कहीं और हो, किसी और की बाहों में हो, लेकिन 10 मिनट बाद वो मेरी बाहों में होगी, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन है, एक लोकेशन है। ये अगर आपको दिखाना है भैया तो आप एकदम यू समझ लो कि आपको विल बी लगाना है। तो किस किस जगह पे आप विल बी लगाएंगे, नो एक्शन में क्या क्या आ सकता है, या तो कोई लोकेशन आ सकता है, अंग्रेजों की तरह सोचो, लोकेशन का मतलब है जगह, आप अभी कहीं और हो, आधे घंटे में किसी और जगह पर होंगे, हाँ घर होगा। आप इसको तो हिंदी में बोलो, पंजाबी, मद्रासी, तेलुगु, तमिल, वट एवर लैंग्वेज यू नो यू कैन थिंक, बट अंग्रेजी तो भैया विल बी ही रहेगा, ठीक है जी। तो लोकेशन के लिए हो गया, तो पहले लोकेशन पे चर्चा करते हैं। भाई आधे घंटे में मैं बस स्टॉप पे होऊंगा, कैसे बोलेंगे, आई विल बी एट बस स्टॉप आफ्टर हाफ एन आवर। हाँ स्ट्रक्चर ये दिख रहा है बेटा, कैमरा मैन, अच्छा इधर, ठीक है, सब्जेक्ट विल बी। अब विल बी के बाद कोई एक्शन नहीं है, यहां पर आपको अगर लोकेशन की बात है तो लोकेशन डाल दो, जगह का नाम है, तो लोकेशन वाला समझ में आ गया। अब बताओ कि दो महीने बाद मैं किसी और शहर में होऊंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई विल बी और इन अनदर सिटी आफ्टर टू मंथ्स, दो महीने बाद, तो क्लियर समझ में आ रहा। तो ये तो लोकेशन हो गया, आप लोकेशन की जगह कुछ भी, किसी का पोजीशन, कंडीशन, मान लो कोई अमीर है, गरीब है, कुछ भी आप दिखा सकते हो, कोई बीमार है, जैसे आप बोलो कि 6 महीने बाद मैं अमीर होऊंगा, तो 6 महीने बाद मैं अमीर होऊंगा, तो आई विल बी रिच आफ्टर 6 months, ओके। तो इसलिए जब आप ये विल बी लगाओगे ना, तो विल बी के बाद यहां पर अगर आप ये लोकेशन पोजीशन समझ में ना आए, तो विल बी के बाद कोई भी यहां पर वर्ड आएगा वो वर्ड एक्शन नहीं होगा, क्रिया नहीं होगी। यहां कुछ भी वर्ड आ जाए, कोई छोटा सा फ्रेज आ जाए, जैसे कि मेरी बाहों में, तो इन माय आर्म्स, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज हो गया ना,
ऐसे छोटे छोटे वर्ड फ्रेज आ सकते हैं, एक्शन नहीं है। तो पहला इस्तेमाल विदाउट एक्शन, पहला इस्तेमाल क्या है जी? विदाउट एक्शन, कोई एक्शन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बंदा अच्छा होगा, पागल होगा, छत पर होगा, कमरे में होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ये चीज वो दिखाएगा, तो उसको विल भी लगाना होगा। ठीक है जी? ओके, 10 मिनट बाद वो मेरे साथ होगी, कैसे होगा? शी विल बी विद मी, मेरे साथ होगी आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, क्लियर है जी? लवली। तो पहला इस्तेमाल हो गया हमारा विल बी। अब हर इस्तेमाल के साथ मैं कंफ्यूजन आपको सिखाता रहूंगा, तो यहां कोई तकलीफ? अब बताओ कि 2 साल बाद वह अमेरिका में होगा, कैसे होगा जी? ही विल बी इन अमेरिका आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, अब किसी को बोलना है एक काम कर यार, तू बस निकल, आधे घंटे में मैं वहीं होऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना, तू निकल मतलब यू गो, यू मूव फ्रॉम हेयर, आधे घंटे बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, हाँ आई विल बी देयर, मैं वहीं। हाँ, इसको शॉर्ट में पता है ना, आई विल कह सकते हो, जो पूरा आपको मैंने शॉर्ट तो बताया हुआ है ना, आई विल बी है तो उसको आप क्या कह सकते हो? आई विल बी, शी विल बी है तो शिल बी, इस तरीके से आप कह सकते हो। ओके, अब जैसे कि इंप्लॉय कह रहा है बॉस से कि सर आधे घंटे में ये फाइल आपकी टेबल पर होगा, होगी, व्हाटएवर, हिंदी अंग्रेजी में देख लेते हैं, तो दिस फाइल विल बी ऑन योर टेबल आफ्टर 30 मिनट्स, आफ्टर हाफ एन आवर 30 मिनट्स। ठीक है जी? ओके ओके, अगले 1 साल में ये यहां का राजा होगा, ही विल बी द किंग ऑफ दिस प्लेस, कुछ भी होगा, हिंदी में सोचो तो होगा, अब अंग्रेज तो ऐसे नहीं सोच सकते होगा, हाँ वो तो बस ऐसे, वो ऐसे देखेंगे कि प्रेजेंट में गरीब, इधर अमीर, ये फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर गए होंगे, तो विल भी होगा। हाँ, जैसे अगर ये लड़की अभी घर पर है तो बोलेगी आई एम एट होम, ये एम विल भी हो जाएगा। ठीक है जी? सीधा कि 10 मिनट बाद मैं उसी अड्डे पर होंगी, तो क्या होगा कि आई विल बी एट द सेम हाइड आउट, अड्डे को क्या बोलते हैं? हाइड आउट, हाइड आउट, अड्डा, नहीं नहीं ओनली ये छुपने छुपाने वाला अड्डा, ये वाला अड्डा है, हवाई अड्डा तो अलग। लवली, क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है जी, अब इसका एक कंफ्यूजन पार्ट है, वो जरूर देखिएगा, नहीं तो बिल्कुल आप कहेंगे अच्छा ये क्या है, तो क्या ये मिटाया जाए? ओके गाइस, तो अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो कंफ्यूजन है, वहां पे जो लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज गाइस ध्यान दें, कंफ्यूजन। मैं कितना भी आपसे कहूं कि अंग्रेजों की तरह सोचो, दिल है हिंदुस्तानी तो मन में तो हिंदी कहीं ना कहीं है ही, ठीक है, वो गागे गी ही दिमाग में बैठा हुआ है, तब भी मैं आपको बता दूं कि अगर एक सेंटेंस है कि वह कमरे में होगा, कोई एक्शन नहीं, आप समझ गए कि फ्यूचर की बात है, विल बी लगेगा, तो वह कमरे में होगा आपने कैसे बनाया? ही विल बी इन द रूम। अब कंफ्यूजन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं इसी सेंटेंस में कि वह कमरे में होगा, मैं बोल दूं कि वह अभी कमरे में होगा, सिर्फ मैंने लगा दिया अभी, और आपको तो बस ये दिखाई देगा, गागेगी, होगा, होगी, आपको बस ये दिखाई देगा, और ये दिखाई देते ना जाने कितने लोग इसको पक्का विल बी ही सोचने वाले हैं। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको देखना है अभी, विल बी तो फ्यूचर होता है, अभी मतलब प्रेजेंट, समझ में आ रहा है? तो बेशक को देखने में गागेगी लगे, आपको देखने में वो फ्यूचर लगेगा, लेकिन है वो प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट है तो फिर गागेगी क्यों है? क्योंकि भैया जब प्रेजेंट के अंदर हम अंदाजा लगाना शुरू करते हैं, अच्छा यार 19 साल की तो होगी, उसका बॉयफ्रेंड तो होगा, पता कुछ नहीं है, अंदाजा हम लगाते हैं, तो उस अंदाजा लगाने में भी कम वक्त आता है, ये गागेगी ही है, समझ में आ रहा है?
तो ये फ्यूचर इसको आप नहीं मानेंगे, यही कंफ्यूजन है दोस्तों। तो फ्यूचर नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या, एक तो इसकी पहचान है कि कोई ना कोई टाइम दिया होगा प्रेजेंट का, कि अभी इस वक्त इस समय ऐसे कुछ। हाँ अभी भी, तब भी लगेगा, अभी भी के लिए भी लगेगा। इसका बस फ्यूचर नहीं होना चाहिए, कल परसों आधे घंटे बाद, ये नहीं, अभी अभी इस वक्त अभी भी वो यही होगा। हाँ ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल जो मैं बताऊंगा वो करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि गागे की दिखाई दे बट फ्यूचर नहीं है, तो ये है क्या, ये है आपका अंदाजा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, संभावना, क्या बोलते हैं हिंदी में, संभावना व्यतीत कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा। तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, विल की जगह आपको क्या लगाना है, वुड, बी तो है, विल भी लगाते थे, उसकी जगह डब्ल्यू से मिलता जुलता क्या है, वुड भी कर देना है। और बाकी आप सेम रखिए, कमरे में है, घर में है, बाहों में है, जिधर है। तो अब मुझे बोलना है कि यार वो अभी कमरे में होगा, तो ही जी ही वुड बी इन द रूम, इन द रूम। यहां पर आपको टाइम दिखाना पड़ेगा, राइट नाउ या अभी, स्टिल, स्टिल लगा दीजिए। अब दो सेंटेंस बोलता हूं, आप देखिए कि कौन सा फ्यूचर है और कौन सा फ्यूचर लग रहा है लेकिन है प्रेजेंट। ओके मुझे बोलना है यार इस वक्त वो इंद्रप्रस्थ पार्क में होगी, तो कैसे, हाँ जी, तो शी वुड बी इन इंद्रप्रस्थ पार्क राइट नाउ। ओके ऐसे आप बैठे हुए हैं, आपने बोला फाइल, अपने फाइल उस अलमीरा में होगी, तो फाइल वुड बी इन द अलमीरा। अगर आपने वहां पर गागे की सोच की विल भी लगाया तो वो गलत हो जाएगा। मतलब एक तो अंडरस्टूड है ना, कोई कह रहा है फाइल कहाँ है, फाइल देख यार उधर होगी, तो प्रेजेंट में ही जी रहे। अगर मतलब टाइम आप दे सकते हैं तो दीजिए, पर कई जगह तो अंडरस्टूड ही होता है ना। ऐसे हम यहाँ बैठे हैं कि अरे बेटा जरा मोबाइल देना, डैडी मोबाइल किधर है, अरे देख यार वहीं पर होगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये प्रेजेंट ही है, ये फ्यूचर नहीं है। तो कई जगह हमें टाइम नहीं भी दिखा सकते हैं, अंडरस्टूड हो जाता है, लेकिन कई जगह आपको टाइम दिखाना भी है। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है कि अगर वो प्रेजेंट है, देखने में ये पूंछ जो है ये आपको गागे की लगे, बट भैया ये विल भी नहीं है, ये वुड भी है। यहां तक समझ में आ रहा है? ओके अब बताओ कि 10 साल बाद वो ओखला में होगा, ये विल बी आफ्टर 10 ईयर्स, इस वक्त वो ओखला में होगी, शी वुड बी इन ओखला, दा तो ओखला में नहीं लग सकता, इन ओखला राइट नाउ। क्लियर, कोई तकलीफ, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप वुड बी कहते हो ना, तो यू समझ लो कि आप 70-80% श्योर हो। जैसे आपने किसी लड़की को देखा, एक लड़की है, और आपने इसको देखा, आप यहां पर हो, और आंखों से ऐसा आपने एक्सरे कर लिया, स्कैन कर लिया इस लड़की को, आपने बोला कि यार ये 19 साल की होगी, ठीक है, आपके दिमाग में ऐसा है 19 साल की होगी, यानी कि आपके दिमाग में जो 19 है वो कम से कम 80% आप श्योर लग रहे हो, तब आप कहोगे कि शी वुड बी, हाँ वही सिखाना चाह रहा हूं मैं अभी, तो शी वुड बी 18 या 19 Years old, आप ऐसे बोल दोगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर 20% श्योर है तब क्या करेंगे, 50% है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी खेल खेलते हैं, ठीक है, बिठाया जाए। हाँ चेक करो, ये कल से वीडियो क्लास लेने वाला है ऑनलाइन, तो हाँ बट उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना के रखना, अभी मैं जरा एक बार निपट जाऊं मैं जरा, ठीक है, इस वीडियो को कल डालोगे? हाँ ये हो सकता है आज रात को भी चला जाए, कल कल तो डाल ही दूंगा। हाँ आओ कनेक्ट हो भाई, जल्दी कनेक्ट हो गए, क्या ये कोई सॉफ्टवेयर से यहाँ का लाइव वो देख लेगा कुछ भी।
नहीं, ये अपने क्लास को ये देखेगा अपने घर बैठ कर, इस वाले क्लास को कुछ वहीं से पूछेगा, सब सुनेंगे। हाँ देखो देखो, वो मेरे मोबाइल में आ रहा है ना, ऐसे मेरे मोबाइल में आ रहा है। तो अब मैं मान लो यहाँ ऐसे करके रखूंगा, अब हाँ वो दिखाओ, हाँ ये ऐसे दिखाओ, हाँ नहीं मैं कल से स्टैंड लाऊंगा, मैं कहीं रख दूंगा ना, ये बोर्ड बोर्ड ही तो तुम्हें देखना है, मुझे देखना ही हो जाएगा, और प्लस मैं माइक लगा लूंगा। यही क्लास जो आप लोग पढ़ते हो, तब भी उसको चाहिए, उसको वो चाह रहा है कि उस क्लास का हिस्सा बने, वो आ नहीं सकता प्रोटेस्ट की वजह से। तो ये कहानी कौन सा हाँ ठीक है मिटाया जाइए। इंसान कितना भी ऑनलाइन देखे, लाइव लाइव है, क्लास में बैठ कर जो है ना। गाइस ओके गाइस, तो आपने देखा कि आप जब वुड बी कहते हो तो वुड बी में कम से कम आपको लगा कि यार 70 से 80% तो मुझे डाउट है कि कमरे में होगा, वो छत पे होगी। लेकिन अगर आपको डाउट मान लो 50% है, तो ऐसी जगहों पर हम बोलते हैं मे बी, सुना तो जरूर होगा मे बी। अगर आपका डाउट जो है बिल्कुल 20 से लेकर 30 टाइप डाउट है, तो भैया आपको लिखना पड़ेगा माइट बी। पता नहीं माइट आप लोगों ने सुना है नहीं सुना, सुना तो होगा। तो माइट बी, एक्चुअली मे बी तो रटा हुआ है किसी मे बी खूब रटा हुआ है, ये माइट बी, ये आपको काफी सुनाई देने वाला है प्रोफेशनल लेवल में। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ेंगे तो ऐसी चीजों के लिए आपको शायद सुनाई दे कुड बी। मेट्रो वगैरह में सफर करेंगे तो इट कुड बी पनिशेबल, ऐसे ऑफेंसिबल, ऐसे कुड बी भी आपको सुनाई देगा कि हो सकता है, चांस है। तो ये जितने भी आइटम देख रहे हैं ना, इसमें पता किसी को कुछ नहीं है, चांस है, अंदाजा है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। इसकी पहचान अगर हिंदी में आप पूछोगे ना, तो इसकी पहचान इस पे भी खत्म हो सकती है, होगा और हो सकता है पे भी खत्म हो सकती है। आपके दिमाग में बैठा है ना सकता, मतलब कैन बैठा हुआ है, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हिंदी में सकता भी आ जाए ना, तो आप बेशक कैन भी कह लो, सबका अपना अपना एक डिफरेंस है कि कौन सा बोलोगे तो कितने परसेंट वो मजबूती लगेगी कि अच्छा। माइट भी अगर मैं बोलूं यार, हाँ जी, इट कुड बी डेंजरस, तो इट कुड बी डेंजरस का मतलब है कि ऑलमोस्ट 50 से तो ऊपर ही है, मतलब वुड बी से नीचे है, बाकियों से ऊपर है, इसलिए कुड बी। हाँ वुड बी में काफी लगता है कि वुड बी एकदम ये हाँ मैं समझा रहा हूँ। वुड बी तो मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट आपके समझ में आया है। ये जो आइटम है आपको बताता हूँ, वह इस वक्त कमरे में होगी, ओके okay? कई लोगों की हिंदी ऐसे भी होगी, वह कमरे में हो सकती है, हो सकती है, या वो कमरे में हो सके भाई, ऐसे भी बोलते ना, हो सके है, तो सके पे भी खत्म हो जाए, हो सके भाई। ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट, अगर आपके मन में डाउट 20-30 से ना के बराबर है कि शायद ही हो सकती है यार, शायद ही होगी उस कमरे में, तो फिर आपके मुंह से ये निकलेगा माइट बी, बाकी तो कमरा मोबाइल जो आपको लिखना है। आपके मुंह से जब सामने वाला माइट बी सुनेगा ना, तो माइट बी सुन के समझ जाएगा, अच्छा माइट बी कह रहा है मतलब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही बात कर रहा है, मतलब ना के बराबर ही बात कर रहा है माइट बी। जैसे आपने बोला कि दैट फाइल, वो वाली फाइल शायद ही अलमीरा में होगी, शायद ही, मतलब आप उतने श्योर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे कि दैट फाइल, वो वाली जो फाइल है, माइट बी इन द अलमीरा। अब इसका भी नेगेटिव करके क्या मिलेगा, माइट नॉट बी, शायद नहीं होगी, अजीब हो जाएगा। इस माइट बी से बेचारा आधा तो नेगेटिव हो गया, माइट नॉट लगेगा, नहीं होगी, शायद नहीं होगी, तो माइट के बाद यहाँ पर नॉट लगा सकते हो, हाँ कि शायद वहां नहीं होगी, माइट नॉट बी देयर। इस माइट बी का एक ही मतलब है कि फाइल का अलमीरा में होने का जो शक है ना आपको, जो गेस अंदाजा है, वो अंदाजा आपका भैया अंदर से कितनी आवाज आ रही है,
20 से 30 इतनी आवाज आ रही है, ज्यादा जब आवाज ही नहीं आ रही है तो आप सोच लो क्या होगा। इसलिए अगर अगर मुझे सच्चाई पता है तब तो ये सब लगेगा ही नहीं, सीधा समझा रहा हूं थोड़ा, चारों तरफ से सवाल आ रहे हैं। पहले माइट, हम वुड समझ गए, इतना माइट के अंदर बिल्कुल ना के बराबर। अब जो ये है ना, ये कुड बी, ये बिल्कुल वुड का छोटा भाई, वुड से नीचे रहता है। मतलब इसको मैं परसेंटेज क्या बताऊं, मतलब इन सब से थोड़ा सा हाई मानेगा, मे से ऊपर है, माइट से ऊपर है, वुड से थोड़ा सा नीचे रहता है। हाँ, यू मान लो कि इट कुड बी 60 भी मान सकते हैं उसको। तो ज्यादा जो आपको दिखाई देने वाला है कुड बी ऑफिशियल लेवल पे, हाँ, तो ऐसे आप बोलोगे कि अभी हम जो सीख रहे हैं कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो इस वक्त सदमे में होगा, कुछ होगा पे खत्म करो हिंदी में अगर सोचोगे ना, बिना एक्शन वाला आप करो, क्योंकि तीन इस्तेमाल है ना, तो बिना एक्शन वाला, विदाउट एक्शन वाला आप सोचिए, वो कमरे में वो शायद शॉक्ड होगी मुझे, हाँ, जैसे कि यार आपको अंदाजा लगाना है, हाँ, तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि हो सकता है इस वक्त वो गांव में होगी, अंदाजा लगाना है। तो आप कह रहे हो कि वो गांव में होगी, हो सकता है, तो आप या तो बोलो मे बी, शी मे बी इन द विलेज। आप मे बी बोलोगे तो बंदा समझ जाएगा, अच्छा 40-50% इसको शक है। आप बोलोगे कि शी माइट बी इन द विलेज तो बंदा समझ जाएगा कि विलेज में भैया मत जाओ ढूंढने के लिए, शायद ही होगी। आपने बोला कि शी कुड बी तो ऑलमोस्ट हो सकता है, शी वुड बी होगी बे जा, हाँ। और अगर आपने ऐसा बोल दिया शी मस्ट बी, नाम सुना होगा, तब तो बेटा पक्का वही होगी, तू जा। अभी भी है अंदाजा, श्योर तो कोई नहीं है ना, लेकिन अंदाजा का एक लेवल है, एक डिग्री है। तो मस्ट तो सबने सुना है, मस्ट मतलब एकदम होके रहेगा। तो अगर आपने मस्ट भी कह दिया तो आपका अंदाजा 100% है। अब अंदाजा सही निकलता है या नहीं वो तो किसी को नहीं पता ना। तो मतलब कि आपको अपनी तरफ से लग रहा है कि पक्का होगी। मान लो कोई शराब पीता है और वो ठेके पे पड़ा रहता है और आपसे कोई पूछ रहा है यार अभी कहाँ है तेरा दोस्त, तो आपको पता है अच्छा वो तो हमेशा ठेके पे रहता है, तो यार ही मस्ट बी एट द ठेका, है ना, आपने मस्ट भी बोला। लेकिन अगर आपके मुंह से इनमें से कुछ निकलेगा तो थोड़ा मस्ट से नीचे हो जाएगा। तो मस्ट में तो भैया एकदम आपको लग रहा है कि पक्का होगा, भाई तू जा। हाँ जी, इन द हॉस्पिटल एट उस प्रेमाइसिस को, जो चारों तरफ का जो है ना हॉस्पिटल के गेट वेट तक वो एट है, अंदर घुस गए तो ये नहीं। हाँ, मस्ट तो ये तो मत बोलिए, तो पक्का श्योरिटी की तरफ चला जाए। कुछ भी, हाँ कुछ भी चल जाए, कुछ भी चल जाएगा। बस ये है कि आजकल अगर कोई नहीं भी अंग्रेजी जानता होगा ना तो मस्ट सुन के उसको लगता नहीं नहीं, हाँ, अब बाकी सब कुछ ही बोलते मस्ट। और ये माइट सुन के आजकल सब समझ जाते हैं, माइट मतलब एकदम नेगेटिव हो जाता है बंदा। तो आप ऐसे परसेंटेज ना याद रखे ना, तो ऐसे भी समझ लीजिए, माइट मतलब ऑलमोस्ट, हाँ, ना के बराबर। हाँ, ही माइट बी अपसेट, ही माइट बी हैप्पी, ही माइट बी इन द रूम, जहां जहां माइट भी लग रहा है वहां वो समझो कि थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। ओके, जैसे कि अब आपने बोला कि शी वुड बी 18 ईयर्स ओल्ड, यार वो 18 की होगी, ये बोले नहीं यार शी माइट बी 18, यू 18 में ही माइट लगा रहा है, यानी कि इसके नजर से 18 की नहीं होगी, 20-30% इसको लग रहा है, आपको अच्छा खासा लग रहा है 18। तो ऐसे है। तो मैं ये उलझाने का एक ही मकसद था, मैं तो विल भी पढ़ा रहा था आपको, मैं सिर्फ ये होगा होगा के चक्कर में कराया है कि अगर प्रेजेंट के अंदर कोई कमरे में होगा, कोई छत पे होगा, कोई उदास होगा, विल भी नहीं आएगा, इनमें से कोई आइटम चिपका दीजिए, कोई भी एक आइटम चिपका दीजिए, कहीं भी होगा, अभी प्रेजेंट के अंदर, हाँ, इस वक्त अभी आप यहाँ हो, आप बोलो कि यार इस वक्त ना मेरा बेटा अपने बेडरूम में होगा, तो अब आपका अंदाजा आपके मन में कितना है, आप अगर उसे रोज इस वक्त बेडरूम में ही आप देखते हो तो कहोगे कि ही मस्ट बी इन द बेडरूम, नहीं तो ही मे बी इन द बेडरूम, ही माइट बी इन द बेडरूम, ही वुड बी इन द बेडरूम, ये अब आपके हाथों में है, ही कुड बी इन द बेडरूम। तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट में विल भी नहीं लगेगा, यही कंफ्यूजन दूर करना था। अब ये इतने भतेरो आइटम, क्या बोलते हैं, भतेरे आइटम जो अभी देखा नंबर 1 में, उसमें था कि भैया एक्शन नहीं था, ठीक है ना।
अब मैं आपको एक्शन की तरफ ले चलता हूं। अब है विद एक्शन, एक्शन होगा तो आप क्या करोगे? एक्शन का मतलब क्या? खाना पीना नहाना उठना बैठना, यही है। हाँ, तो अब पहले मैं आपको फ्यूचर में ले चलता हूं, क्योंकि हम तो मेन फ्यूचर ही कर रहे हैं ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आया फ्यूचर कंटिन्यूअस मेन, तो मैं आपको फ्यूचर की तरफ ले चलूं, फ्यूचर और प्लस कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि मोशन होगा। अब एक सेंटेंस है कि कल, इसके अंदर फ्यूचर है तो फ्यूचर की बात हम करेंगे, अभी की बात नहीं। कल 6 बजे शाम को ये फ्यूचर टाइम हो गया आपका, वह नाच रहा होगा, तो कहने का मतलब है कि कल जब 6 बजेगा तो उस वक्त उस बंदे का क्या एक्शन चल रहा होगा जी? नाचने का एक्शन चल रहा होगा। जैसे 6 बजेगा उस वक्त अगर जाओगे तो उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट चल ही रहा होगा, तो वो मैं बता रहा था। तो कल वो नाच रहा होगा। अब आप हिंदी में सोचोगे तो भैया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा जरूर है, रहा जरूर है हिंदी में। साउथ में कुछ और, बंगाली में कुछ और, वहां कुछ और है। तो इसमें आप क्या करोगे? इसके अंदर आपको सब्जेक्ट सबके साथ विल भी लगता है, बता ही दिया था शैल वाले चैप्टर में, शैल भी। हाँ, उसके बाद आपको बस आईएनजी लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, ये आपका एक्शन है। मोस्टली सब कंटीन्यूअस में है ना? कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट सब में आईएनजी आपको रहेगा। तो आपने बोला कि वह नाच रहा होगा, तो ही विल बी डांसिंग एट 6 PM टुमारो। कल है तो टुमारो बनाने लगे। तो ये विल बी का मतलब है कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, और फ्यूचर में कोई प्रोसेस चल रहा होगा। ओके, जैसे मैं कहता हूं कि देखो यार, कल अगर 8 बजे तुम यहां आओगे ना, तो भैया मैं इसी कमरे में पढ़ा रहा होऊंगा। यानी कि कल जब 8 बजेगा उस समय मेरा कुछ मोशन चल रहा होगा, वो पढ़ाने का काम मोशन में होगा, बस ये। नहीं, जब तुम आओगे, याद है, when you come I will be teaching, मैं पढ़ा रहा हूंगा। जब तुम आओगे तो एक टुकड़ा है इसका, तो भैया when you come होगा, इसमें will नहीं लगता, मैं करा चुका हूं याद कर। हाँ, तो फ्यूचर में आओगे, लेकिन फ्यूचर में अगर इफ आ जाए और वेन आ जाए तो फ्यूचर नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसका भी ख्याल। हाँ, तो जब तुम आओगे, when you come, I will be in your memory, I will be missing you, तुम्हारी यादों में होऊंगा, मतलब I will be in your memory। तो ये समझ में आ रहा है गाइस? तो अब आप आने वाले टाइम में आप जो कर रहे होंगे वो बताओ। जैसे आपने बोला कि कल सुबह 10 बजे मैं चाय पी रहा होऊंगा, तो कैसे होगा? I will be taking tea tomorrow at 10 o'clock। ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं, चाय जी सर, ये जो पीना है ना, वैसे टेक टी ज्यादा चलता है अपने यहां इधर, अंग्रेज लोग हैव टी, लेकिन ड्रिंक टी भी होता है, ये गलत नहीं है। लेकिन यहाँ ड्रिंक टी बोलने का मतलब है कि लोग समझेगा, अरे पागल होगा दिख गया भैया, तो ड्रिंक वो अजीब ही समझ जाएंगे, या तो समझ जाएंगे कि पानी की तरह पी रहा है कुछ भी। तो इसलिए या तो टेक बोलो या हैव बोलो। हालांकि कई इंग्लिश मूवीज में मैंने खुद देखा है ड्रिंक टी भी यूज करते हैं, क्या पता उनका चाय ठंडा होता हो, पानी की तरह पी जाते हो। हाँ, अभी तो देखो इंग्लिश मूवीज और गाने के लिए तो एक तो स्लैंग, ऊपर से उनका जो टोन, वो बोलेंगे वही, हमें सुनाई देगा कुछ और, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए तो रोज उसके लिए उसकी दुनिया में जाना होगा, या तो उनकी दुनिया को अपने पास बुला लो, रोज लगे रहो लीड लगा करके, और नहीं तो भैया चले जाओ। हाँ, जो रोज सुनेगा, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे कि जो इंग्लिश गाना मुझे समझ में नहीं आ रहा वो पूरा गुनगुनाया जा रहा है, और उसे इंग्लिश बोलने नहीं आती है, वो शुरू से इंग्लिश गाने ही सुना, वो एक एक लफ्ज उसको याद है, या तो पहले लिरिक्स पढ़ा होगा, कुछ किया होगा, तो ऐसे भी तो उस दुनिया में आपको जाना होगा। चलिए गाइस, ओके गाइस, अब एक्शन वाले में, ये है ना विद एक्शन, इसके अंदर मैं आपको कंफ्यूजन दिखाता हूं। विद एक्शन कुछ खास नहीं, समझ ही गए होंगे आईएनजी का ही खेल है, फिर भी अब आप बस इतना ख्याल रखना कि आप खड़े हो प्रेजेंट टाइम में,
अब प्रेजेंट टाइम में आप क्लास में हो, लेकिन आपके फैमिली वाले वो तो कहीं और होंगे। आप पढ़ रहे हो, आपका एक्शन क्या है? पढ़ना। उनका भी तो कुछ एक्शन अभी चल रहा होगा ना। हो सकता है आपका बेटा कार्टून देख रहा होगा, हो सकता है वाइफ खाना बना रही होगी, हो सकता है कि कोई हुक्का पी रहा होगा, इस वक्त कोई कुछ तो कर रहा होगा, हो सकता है कोई नहा ही रहा होगा, हो सकता है कोई पार्किंग में लगा होगा, कुछ तो हो रहा होगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है? सब्जेक्ट, कोई बॉडी बना रहा होगा, आपको लगाना है वुड बी, बस जो मोशन है वो दिखा दीजिए आईएनजी में, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ रहा है? सिर्फ आपको आईएनजी तो बदलना है, वुड बी तो आपने सीखा ही है। देखो टेक अ बात और लगेगा उसमें लोग, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा थोड़ा, मैं ये कर दूंगा। हाँ तुम कंफ्यूजन वाले में कर दूंगा। देखो मेरा बेटा इस वक्त खेल रहा होगा तो माई सन वुड बी प्लेइंग, वुड बी प्लेइंग इस वक्त, हाँ एट दिस टाइम या राइट नाउ, तो ये वुड बी है। लेकिन मैं हिंदी में कह रहा हूं कि मेरा बेटा खेल रहा होगा, गांव घर में लोग बस ये देखेंगे रहा होगा और वो सीधा चले जाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, उनके दिमाग में आएगा रहा होगा मतलब विल बी, उनके दिमाग में आके रहेगा। नहीं तो आज जाना गांव में और किसी पढ़ने वाले बच्चे से पूछना कि अच्छा बेटा बना ट्रांसलेशन, राम खाना खा रहा होगा, अगर अच्छा होगा रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस वैसे बनाएगा, फिर कहना अच्छा राम अभी खाना खा रहा होगा, वो अभी को अगर वो बहुत स्मार्ट होगा तो ध्यान देगा अच्छा अभी, कहीं ऐसा ना कि विल बी लगाए बोलते राइट नाउ, विल बी भी लगाए और प्लस राइट नाउ भी लगा दे, तो ख्याल रखना कि विल बी नहीं होगा। जैसे कोई अभी कुछ भी कर रहा है, जैसे उसमें सिखाया था नॉन मूवमेंट, हाँ जी, बस उसके अंदर था कि एक्शन नहीं था, इसमें बस एक्शन है इस वक्त। अब सोचो हमें कुछ भी बोलना है कि इस वक्त मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहा होगा, इस वक्त मान लो मेरा दोस्त एक्सरसाइज कर रहा होगा, तो माई फ्रेंड वुड बी टेकिंग एक्सरसाइज राइट नाउ, ये होगा। और उसमें वो श्योरिटी फ्योरिटी आएगा तो वही माइट बी मे बी, वो आपके ऊपर है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, तो हम श्योर नहीं है, अंदाजा लगा रहे हैं। जब कुछ कर रहा हो जैसे तुम अभी विल बी सिखाए तो बोल रहे हैं, हां विल बी का मतलब कि हम आने वाले कल की भविष्यवाणी मुझे पता है, अभी ही डांसिंग कर रहा होगा, मुझे अभी पता है, मैं बोलूंगा कि अच्छा कल शाम को 6 बजे हम दोनों पार्क में टहल रहे होंगे, मतलब हमने प्लान बना लिया है ना टहलने का, तो हम कल क्या कर रहे होंगे उसकी भविष्यवाणी अभी सुन लो भाई, तो विल बी है कि वी विल बी। हाँ अगर हम अभी यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और हम अभी बात कर रहे हैं, अभी बारिश हो रही है, हाँ कि अभी बारिश हो रही होगी किसी शहर में, तो इट वुड बी रेनिंग। थर्ड पर्सन के लिए हमें थर्ड पर्सन सब, इसमें सब में सबके साथ आएगा, बात तो थर्ड की हो रही है, बात तो ऐसे थर्ड की हो रही, थर्ड की, क्योंकि दो लोग तो यही खड़े होकर बात कर रहे हैं तो बात तो थर्ड की हो रही है, तो वैसे दो लोग करेंगे। हाँ यू विल बी कि कल शाम को तुम रो रहे होंगे, देख लेंगे कुछ कर रहा है तो वुड बी, बस यही आप समझ लीजिए। मान लो कि अभी यहाँ से ये बच्चा मोबाइल पे इसका फोन आए और ये बाहर निकले और हम इसी के बारे में बात करें, पक्का गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा, तो हम या तो ऐसे बोलें कि ही वुड बी टॉकिंग टू गर्लफ्रेंड, और पक्का तो ही मस्ट बी टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, हमें पता तब भी नहीं है, अंदाजा है लेकिन होता है। अब मान लो कि एक बाइक पर एक लड़की, एक मर्द के साथ एक लड़की जा रही है, तो देख के पहले को ये नहीं बोलेगा कि बहन होगी, ओए गर्लफ्रेंड होगी, है ना, दिमाग में ही जाएगा, तो उसे तो पता थोड़ी है, वो तो अंदाजा लगा रहा है ना, तो शी वुड बी हिज गर्लफ्रेंड, समझ रहे, यही है। और मान लो कि वो अपने गली का फेमस है, हाँ तो दे वुड बी गोइंग, समझ में आ गया, तो कमाल है समझ में आ गया, वरना बहुत लोग कंफ्यूजन में है। और जो बदनाम लड़का है, मान लो रोज शराब पीता है, वो कम वक्त कुछ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा होगा ना, तो यू मस्ट बी ड्रिंकिंग वाइन, तो ये है, तो समझ में आ गया। तो यही आज का सफर था, विल बी, जो बी वाला आइटम मैंने कंप्लीट करा है, जैसे मैं विल हैव में जाऊंगा फिर उसका कंफ्यूजन लाऊंगा, बी वाला ओके हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।